बहुत माला फेरी, ध्यान किया, खूब उनके दीदार करने की आश से पूजा व्रत सब कुछ किया, मंदिर में भी गई, लेकिन श्री कृष्ण दोबारा नहीं आए। मेरी दिल बहुत थी कि मैं उनको दोबारा देखूं। जब मैं सत्संग में पहुंची, बाबा ओम की ध्वनि लगा रहे थे और वो ध्वनि बहुत अच्छी थी, ओम जैसे, बड़ी गहराई से, लगन से, हृदय से निकलती हुई वो जो ध्वनि थी, वो बहुत ही सुकून दे रही थी सुनने को। मेरी दृष्टि बाबा के मस्तक पर पड़ी, मुझे लगा मस्तक से लाइट ही लाइट निकल रही है। और मैंने मन में कहा, अरे, क्योंकि दादी ने वो दृश्य देखा था, तो मन से जैसे दादी की आवाज निकला, अरे ये तो सत्यनारायण भगवान जैसे हैं। क्योंकि उस ओम शांति, हम सुन रहे हैं ऐसी अनसुनी अद्भुत कहानियां, जिसमें आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी अपने ही बाल्यकाल के जीवन का परिचय देते हुए, उनके अंदर बाल्यकाल से ही जो परमात्मा प्राप्ति की खोज और प्रभु भक्ति की लगन, सच्चाई और सफाई, और कितना व्यर्थ इधर उधर की बातों से निवृत्त रहने के संस्कार थे, दादी वो हमसे साझा कर रहे हैं। लास्ट हम बात सुन रहे थे दादी को नींद में जैसे कोई साक्षात्कार हो गया हो, और फिर दादी बता रहे हैं उस साक्षात्कार के विषय में, मैंने बचपन में सुना था, यदि किसी को भगवान का दीदार हो जाए तो किसी को बताना नहीं चाहिए। कहते हैं, कहावत में कहा जाता है, ये गूंगे की मिठाई है जो अंदर खा लेनी चाहिए। मना मिठाई मिली, खा लो, गूंगा जैसे वर्णन नहीं कर सकता, ऐसे आपको भी अगर भगवान के दीदार हो गए हो तो बस उसे, उसका आनंद ले लो, किसी को वर्णन नहीं करो, क्योंकि ये आपका अनुभव है, किसी और को क्या इस चीज की समझ होगी। तो ऐसे ही मैंने भी किसी को बताया नहीं, लेकिन अंदर से बड़ी दादी को इच्छा थी कि मैं फिर से एक बार ये देखूं, फिर से मुझे ऐसा दिखे। और दादी कोठरी जो बनी हुई थी पूजा की, उसमें कई बार बैठ जाती थी, श्री कृष्ण की माला लेकर, श्री कृष्ण तुम फिर कब आओगे, श्री कृष्ण फिर तुम कब आओगे, बस उसकी रट लगाकर पूजा करती रहती थी। बहुत माला फेरी, ध्यान किया, खूब उनके दीदार करने की आश से पूजा व्रत सब कुछ किया, मंदिर में भी गई, लेकिन श्री कृष्ण दोबारा नहीं आए। मेरी दिल बहुत थी कि मैं उनको दोबारा देखूं। एक बार मेरी एक और क्लास फेलो थी जो ओम मंडली, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जब सिंध कराची में था तब यह ओम मंडली के नाम से जाना जाता था, तो वह क्लास फेलो दादी जी की ओम मंडली में जाती थी। 2-3 दिन के बाद मैं एक बार उसके घर गई तो वो ध्यान में जैसे बैठी हुई थी और आंखें बंद और किसी बहुत गहरे चिंतन में, आनंद में मग्न हो, जैसे आंखें खोले ही ना। मैं उसके पास गई, उसका नाम लीला था, तो दादी कह रही है मैंने उसके पास जाकर थोड़ा कंधे पर हाथ रखकर हिलाया और पूछा, लीला लीला, बस वो मुस्कुरा रही है जैसे कुछ विजुलाइज कर रही हो, देख रही हो, हाथ उठाने पर भी उसका जवाब ही नहीं दे रही थी, आंसू बहाए परंतु मुझे जवाब ना दे, हंसी भी आ रही है, कोई दृश्य देख रहे हैं उसके इमोशन जैसे बाहर प्रकट हो रहे हैं चेहरे से, लेकिन जैसे वो होते हुए भी वहां नहीं है। दादी कह रही है मुझे नहीं मालूम था ये क्या था, लेकिन मैंने उसकी मम्मी को बोला, मुझे तो लीला ने खुद ही बुलाया था और अब बात ही नहीं कर रही है, ठीक है अब मैं जा रही हूँ। तो उनकी मम्मी ने कहा, नहीं बेटी, मुझे भी नहीं पता, मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ, जब देखो ये ध्यान में बैठी रहती है, इसको ऐसा क्या हो गया पता नहीं, 2-3 दिन हो गए हैं ये बात इसकी हालत को देख रही हूँ। थोड़ी देर में उनकी माता जी से दादी जी की वार्तालाप चल रही थी, जो लीला की आंखें खुल गई और खुलते ही बोली, रामा, क्योंकि दादी का नाम जैसा पहले बताया अलौकिक नाम रामा था, तो लीला ने बहुत प्यार से बोला, रामा मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया था कि तुम श्री कृष्ण की भक्तिन हो ना, तो चलो मैं तुमको श्री कृष्ण के दर्शन कराती हूँ।
इतने कॉन्फिडेंस से बोला, चलो मैं तुम्हें श्री कृष्ण के दर्शन कराती हूँ। अब दादी जी को बड़ी हैरानी हुई, उन्होंने कहा लीला तुझे क्या नशा चढ़ गया है, मना सुनने से भी अजीब लगता है, मैं तुझे दर्शन कराती हूँ, ऐसा कैसे, कौन सी पावर है। उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस से दादी ने बोला, श्री कृष्ण का दीदार कोई आसान काम है, जिसको सिंधी में कहावत रूप में कहते हैं मासी का घर है। कहती हैं श्री कृष्ण का दीदार कराऊंगी, जैसे सहेलियां सहेलियां आपस में बातें करते हैं ना, तो दादी जी ने भी ऐसे कहा, बड़ी आई कहती है कि श्री कृष्ण का दीदार कराऊंगी, तुझे मालूम है मैं कितनी पूजा करती हूँ, ऐसे कोई नहीं होता साक्षात्कार, और तुम मुझे दीदार कराओगी, जैसे बच्चियां आपस में हंसी मजाक करती हैं ऐसे मैंने भी बोल दिया। लेकिन उस हंसी मजाक को सुनते हुए भी लीला अपनी बात में पक्की रही, बोला हाँ मैं कराऊंगी। मैंने कहा चलो फिर अभी कराओ। तो लीला ने कहा आज तो शाम हो गई है, मैं कल कराऊंगी, कल ले चलूंगी तुम्हें। तो बाबा जैसे पहले पहले जो सत्संग कराते थे, वो दादी जी के घर से जैसे 5-7 मिनट की दूरी पर ही वो घर था, ज्यादा दूर नहीं था। और बाबा सुबह 10 बजे सत्संग कराया करते थे, क्योंकि उसके बाद भाई लोगों को दुकानों आदि पर भी जाना होता था। तो जब भाई 9-10 बजे तक दुकान पे चले जाते थे, माताएं अपना किचन आदि का साफ सफाई का और उनको भेज कर अपने कर्म से जो नित्य कर्म होता है उससे फ्री हो जाती थी, तो 10 से 11 का फ्री टाइम में माताएं आती थी। और वो कमरा कोई बहुत बड़ा भी नहीं था, लेकिन थोड़ा बड़ा कमरा था, जिसमें इधर और इधर दोनों तरफ पलंग लगे हुए थे, बीच में गद्दी थी, और वहां सत्संग होता था। जैसे पाठशाला कोई शुरू करते हैं ना घर में छोटा स्थान सत्संग का, ऐसे यज्ञ की स्थापना में गीता पाठशाला ऐसी तैयार हुई थी। और हमारा नियम था मम्मी पापा की छुट्टी के बिना कभी दरवाजे से बाहर भी नहीं जाती थी, कहा ना खेलने के भी ऐसे नहीं जाती थी। तो ऐसे जा रही हूँ ओम मंडली माता पिता को बिना बताए, तो कभी भी नहीं गई, ये नियम रखा था। और कभी मम्मी पापा को सामने से मैंने कुछ जवाब दिया हो कि मैं तो जाऊंगी आप क्यों मना कर, कभी भी नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, हमेशा आज्ञाकारी रही। मम्मी पापा का प्यार भी इतना रहता था, कंट्रोल भी रहता था। और रात को जब पापा घर पर आए तो बोले बेटा, क्योंकि ऑफर तो किया ना उन्होंने कि मेरी सहेली लीला मुझे ऐसे ऐसे ले जाना चाहती है, ओम मंडली में उसको श्री कृष्ण का दीदार हुआ, तो क्या मैं वहां जाऊं। तो रात को जब पिताजी आए तो उन्होंने कहा बेटा मैं तुझको छुट्टी देता हूँ, क्योंकि मालूम तो था ही कि ये मीरा है, श्री कृष्ण की प्रेमी है और अध्यात्म प्रेमी है, तो उन्होंने बहुत, और कोई ऐसी आदत भी नहीं है जो कहीं फंस जाएंगी। तो उन्होंने कहा बेटा मैं तुझको छुट्टी देता हूँ, तुम जाओ, यहाँ पर एक दादा का सत्संग चलता है, वो गीता पर ही सत्संग कराते हैं, और बहुत माताएं जाती हैं, मैंने भी सुना हुआ है, वहां पर ओम ध्वनि बहुत अच्छी करते हैं। अच्छा तुम्हारा तो स्कूल बंद है, देखिए बच्ची की इच्छा थी बस, लेकिन पिताजी अपने आप ही बता रहे हैं वहां जाने के लिए। तो बोला तुम्हारा तो स्कूल बंद है, क्यों नहीं तुम वहां सत्संग करने जाओ। मैंने कहा वो कौन है दादा, दादा सिंधी में तो बड़े भाई या बुजुर्ग को दादा ही शब्द कहते थे, तो इसलिए उन्होंने पूछा कि वो कौन है दादा। फिर मुझे बताया गया, मैंने भी कहा आज मैं लीला के पास गई थी, उसने भी मुझे कहा वहां चलो, वहां मैं श्री कृष्ण का दीदार कराऊंगी तुम्हें। तो पापा ने कहा हाँ मैंने भी सुना है ओम की ध्वनि वहां होती है, जाओ बेटी तुम जाओ। बहुत प्यार से, जैसे छुट्टी थी, तुम्हारा श्री कृष्ण से प्यार है ना, जा बेटी जा। और दादी को तो सुबह का इतना इंतजार कि बस रात पूरी हो और मैं सुबह जाऊं। और फिर दादी सुबह गई। फिर दादी बता रहे हैं जब मैं सत्संग में पहुंची, बाबा ओम की ध्वनि लगा रहे थे और वो ध्वनि बहुत अच्छी थी, ओम जैसे बड़ी गहराई से, लगन से, हृदय से निकलती हुई वो जो ध्वनि थी वो बहुत ही सुकून दे रही थी सुनने को। मेरी दृष्टि बाबा के मस्तक पर पड़ी, मुझे लगा मस्तक से लाइट ही लाइट निकल रही है। और मैंने मन में कहा अरे, क्योंकि दादी ने वो दृश्य देखा था,
तो मन से जैसे दादी की आवाज निकला, अरे ये तो सत्यनारायण भगवान जैसे हैं। क्योंकि उस दृश्य में दादी ने पहले देख लिया था कि श्री कृष्ण के पीछे कोई श्वेत वस्त्रधारी बुजुर्ग से है, लेकिन फरिश्ते रूप में आ रहे हैं। और सत्यनारायण भगवान की कथा में भी उन्होंने सुना था कि भगवान बूढ़े ब्राह्मण के वेश में मिले थे। तो दादी को जैसे वो बात सपने की बात कनेक्ट हो गई। फिर पूछा, अंदर ही अंदर अपने से ही दादी प्रश्न कर रही थी कि ये मेरे सपने में कौन आए थे फिर, और अगर वो आए थे तो ये कौन है जिनको मैं अब देख रही हूँ, ये सत्यनारायण भगवान है क्या? अंदर से क्वेश्चन। ऐसे सोचते सोचते देखते देखते दादी बाबा के भ्रुकुटी पर देख रही थी, और देखते देखते मानो वो ध्यान में चली गई, एकदम जैसे दीदार हो रहे। वही श्री कृष्ण, अब ध्यान में क्या दिख रहा है, वही श्री कृष्ण, वही बगीचा, वही लाइट और वही सत्यनारायण भगवान, बिल्कुल सेम टू सेम जो उन्होंने सपने में देखा वही फिर देखा। और कितनी देर दादी जैसे ध्यान में बैठी रही, घंटों घंटों बीत गए, सत्संग पूरा हो गया। दादी कह रही, मुझे नहीं पता क्या पूरा, सत्संग सब पूरा हो चुका था, सब जा चुके थे, लेकिन मैं कहाँ बैठी हूं मुझे नहीं मालूम, बिल्कुल बस ऐसा लग रहा था कि मैं देख रही हूँ ध्यान में। बाबा ने कहा, आओ बेटी मेरे पास आओ। तब भी मैं ध्यान में थी, मैं सुनी नहीं पा रही थी। बाबा के पास गई तो भी ऐसा लग रहा था कि सत्यनारायण भगवान को देख रही हूँ। घड़ी घड़ी श्री कृष्ण भी सामने दिखाई दे रहे हैं, जैसे बाबा सामने बैठे हैं तो बाबा मुझे कह रहे हैं बच्ची आओ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं श्री कृष्ण मुझे बुला रहे हैं। और फिर थोड़ी देर में जैसे वो सीन ओझल हो जाता और दादा का वो श्वेत वस्त्र रूप सत्यनारायण भगवान जैसा दिखाई दे रहा, तो घड़ी घड़ी जैसे कभी श्री कृष्ण सामने आ रहे, कभी सत्यनारायण भगवान सामने आ रहे। ऐसे ही मैं देखती रही। घर आई तो भी मैं जैसे ध्यान में, और उस ध्यान का जो अनुभव था, जो खुशी थी, वो जैसे एक्सेप्ट नहीं हो रहा था कि ये मैंने क्या देखा क्या नहीं देखा। तो रात को नींद ही नहीं आई। फिर दादी ने कहा, मैं छत पर अकेली बैठ गई, घंटों घंटों जैसे मैं ध्यान में चली जाती थी। मेरी माँ समझने लगी, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया, जैसे लीला की माँ को भी मालूम नहीं पड़ा, ऐसे इनको भी, इनके माता जी को समझ नहीं आ रहा था इनको ऐसा क्या मिला। और इतना आनंद में, ऐसा भी नहीं कोई रो रहे हैं तड़प रहे हैं या कुछ मेंटली डिस्टर्ब हुए हैं, नहीं, आनंद में मुस्कुराता चेहरा, न खाने की सुध न पीने की सुध, न बोलती थी, बस जब देखो ऐसे समाधि में बैठी हुई, बस लगन लग गई जैसे। तो माँ कभी आकर उठाती भी थी पर मेरा मन ही नहीं होता था मुझे कोई उठाए। और हर रोज रात को घर आकर जैसे दिल होती थी बस कब सुबह हो जाए और मैं भाग जाऊं, मैं बाबा के पास जाऊं, मैं सत्संग में जाऊं। मैं 10 बजे से पहले कोई उनके वहां नहीं जाता था, और उनको दिल होती थी मैं वहां जाके बैठ जाऊं, ध्यान में बैठूं। फिर घर में आती थी तो भी ध्यान में बैठी रहती थी, जैसे वही टेस्ट डेवलप हो चुका था। ऐसे करते करते कितने दिन मैं ध्यान में रही, बस उस ध्यान में, ध्यान माना वो स्वर्ग का साक्षात्कार का जो दीदार था, जो वो सूक्ष्म अनुभव था, उसमें बस मैंने स्वर्ग को देखा, श्री कृष्ण को देखा, सत्यनारायण को देखा, और वो भी बाबा के रूप में ही देखा, गोप गोपियों को रास करते देखा। बहुत मजा आता था, खूब मजा, ऐसा मजा जो तल्लीन हो जाती। दादी कहती, मैं महसूस करती थी कि ये कोई और नहीं, जैसे मैं ही वहां मौजूद हूँ। खूब मस्ती में रहती थी, धीरे धीरे मेरी लगन बढ़ती जा रही थी। पापा ने भी एक बार पूछा, क्या हो रहा है, पर मैं कोई जवाब नहीं देती थी, कुछ नहीं कहकर टाल देती थी। फिर इतने में ही दिवाली आई, एक और दिवाली आई। तो ये बातें दिवाली से 2-3 दिन पहले की हैं, क्योंकि दिवाली की छुट्टियां भी आखिर पूरी हो गई थी, और फिर कई बार स्कूल में जैसे जाने का होता था, अब छुट्टियां पूरी होंगी तो जाएंगे, जाना तो पड़ेगा। अब जब छुट्टियां पूरी हुई, जाने की बात आई, तो मेरा मन ही ना करे स्कूल जाने को, पर स्कूल तो जाना ही था। अच्छा, स्कूल में कौन थी क्लास फेलो? मम्मा थी।
ममा मातेश्वरी जगत अम्बा जी के लिए कहा जा रहा है, जो यज्ञ माता सरस्वती कहलाई। हमने ममा को भी जाके बताया, उस समय ममा मुझसे भी ज्यादा लगन में रहती थी, मना भले ही फैशनेबल थी, सब कुछ था, लेकिन उनकी लगन, उनकी एकाग्रता, वो तो चेहरे से ही दिखती थी। मैंने घर आकर कहा मैं स्कूल में नहीं पढ़ूंगी। फिर पापा ने आंख दिखाई, मना पहली बार जो आज्ञाकारी और ऐसा कहे, तो नेचुरल है वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं होती पेरेंट्स के लिए भी। तो पापा ने आंख दिखाई, फिर मैंने बोला नहीं, मैंने तो गोपिका बनना है। अब गोपिका थोड़ी स्कूल में जाती है, वो तो राधा कृष्ण के साथ झूले झूलती है, बस मुझे भी राधा कृष्ण के साथ झूले झूलना है, उनके साथ रहना है, मुझे स्कूल नहीं जाना है। अब आखिर तो पिता ज्योतिषी थे, जैसा हम पहले सुन चुके हैं, वो जानते भी थे, क्या जोर जबरदस्ती करूं, कोई गलत जगह तो जा नहीं रही है। तो उन्होंने कहा अच्छा बेटी, जैसी तुम्हारी इच्छा हो, बस पिताजी का कहना, फिर तो माताजी भी क्या बोलेंगी। मुझे तो इतनी खुशी हुई, दादी बता रहे हैं, अच्छा हुआ जो छुट्टी मिल गई। दिवाली के बाद 6 माही पेपर होते हैं ना, जैसे तिमाही होते हैं, सेमेस्टर वाइज पेपर होते हैं, तो स्कूल में पेपर हुआ, मैंने कहा मुझे पेपर नहीं देना है, मेरे लिए तो बस अब बाबा है, ओम मंडली है, बस यही मेरे लिए सब कुछ है। जैसे वो लगन, वो मस्ती ज्ञान की चढ़ गई थी। बड़ी दीदी, जिनके विषय में हमने अभी कुछ दिनों पहले सुना कि कैसे बड़ी दीदी, दीदी मनमोहिनी जी भी दादी जी के साथ ही सेवारत रही यज्ञ के आदि समय पर, तो बड़ी दीदी, दीदी मनमोहिनी जी दादी प्रकाशमणि जी की दूर से जैसे रिश्ते में चाची लगती थी, और उनका घर भी हमारे मोहल्ले में ही था, तो उनको मेरे से भी ज्यादा लगन लगी हुई थी, क्योंकि हर किसी को अध्यात्म से प्रेम है, और जब सत्य मिल जाए तो अध्यात्मिकता और सत्यता मिलकर परमात्मा आनंद प्राप्त करा देता है। तो वो मेरे से भी पहले ज्ञान में आई हुई थी, दीदी के विषय में बता रहे हैं कि दीदी मेरे से भी पहले ज्ञान में आई हुई थी, और जब आई थी तो क्वीन मदर भी उनके साथ ही थी, क्योंकि आना जाना रहता ही था दादी का, दीदी का, तो वो भी कुछ ऐसे अनुभव जब साझा करती थी आपस में एक दूसरे से, तो वो भी कहती थी कि तुमने बहुत कुछ पाया, तुमने परमात्मा को पाया, तुम्हारा जीवन कितना श्रेष्ठ हो गया। तो आगे जब वो उनके साथ सत्संग में गई, तो बाबा के साथ और कौन से उनको श्रेष्ठ अनुभव हुए, जिसने ज्ञान मार्ग में दीदी को, दादी को और आगे बढ़ाया, और दोनों की जोड़ी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे यज्ञ के प्रशासन के लिए मशहूर कर दी। आगे की स्टोरी हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।